हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज का जो दिन है एक त्यौहार का दिन है जिसे टुसू पर्व बोला जाता है, या फिर आप मकर संक्रांति भी बहुत से लोग बोलते हैं। यहाँ पर जो है टुसू पर्व का दिन है। यहाँ पर अभी जो है हम यहाँ पर आए हैं। देखिए, ये जो हमारे पीछे एक नदी है जिसे दामोदर नदी है, और ये जो घाट है जो चचकेश्वर धाम के पास में है। तो देखिए यहाँ का नज़ारा, बहुत सारे लोग जो है आए हुए हैं आज मकर संक्रांति दिन टुसू पर्व में नहाने के लिए। आज जो है नदी में नहा के लोग खाना खाते हैं और टुसू का भाषण करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। और उधर देखिए एक जो एक ब्रिज है, इसको चचकेश्वर ब्रिज या भाड्डी ब्रिज बोलते हैं। ये जो है चचकेश्वर धाम को और भाड्डी को जोड़ती है, नदी के इस पार से उस पार लेकर ये ब्रिज बना हुआ है। तो अभी जो है फिलहाल अभी हम भी नहाएंगे यहाँ पर, और ठंड में नहाना भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आए हैं तो नहाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पर नहाएंगे, आप ब्लॉग पर बने रही है। यहाँ का जो है पूरा ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे चचकेश्वर धाम का नज़ारा और दामोदर घाटी का नज़ारा भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी जो है हम फिलहाल नहा लिए हैं। नहाने में बहुत ही ज़्यादा नदी का पानी ठंडा था, और नहा के दे हम पहन लिए हैं और बढ़ेंगे आगे की तरफ, जहाँ पर जो है हम अधिक खाना खाएंगे और पूरा चचकेश्वर धाम का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो फिलहाल जो है हम अभी खाना खाने वाले हैं, और ये देखिए यहाँ पर जो है हमने पीठा लाया है, नून पीठा, गुड़ पीठा है और चीरा है। चलिए इसे अभी भोजन करते हैं और ब्लॉग पर बने रहिए। उसके बाद जो है ब्लॉग में और भी अच्छी अच्छी जगह को हम दिखाते हैं। तो अभी जो है हम खाना खा लिए हैं और बढ़ रहे हैं जरिया की तरफ। देखिए यहाँ पर जरिया भी बहुत खूबसूरत नज़ारा है इधर, तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बने रहिए। यह है जरिया का रास्ता, देखिए यहाँ पर छोटा सा 5 फीट का रास्ता बना दिया गया है। ये है जरिया का नज़ारा, देखिए यहाँ पर जो है पानी बह रहा था, अभी थोड़ा पानी कम है। यहाँ पर पानी का फ्लो जब ज़्यादा हो रहा था तब यहाँ पर झरने के जैसा लग रहा था यहाँ पर, लेकिन अभी जो है फ्लो कम हो रहा है तो झरने के जैसा नहीं दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर देखने में जब झरने के जैसा होता है तब देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो यहाँ पर जब पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। यहाँ पर पत्थरों को चट्टानों को देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो दोस्तों, अभी जो है आप हमारे पीछे देखिए एक छोटा सा मंदिर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जो है अभी ठीक से वीडियो नहीं करने दिया गया। यहाँ पर एक ऐसा है जो कि विष्णु चरण स्तंभ है, जहाँ पर जो है उसका फ़ोटो नहीं लेने दिया जाता है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर जो है भगवान ने यहाँ पर उतरे थे, यहाँ पर जहाँ पर जो है चरण स्पर्श है, तो वहाँ पर जो है यहाँ पर उतरे थे धाम बनाने के लिए। उसके बाद जो है यहाँ से चले गए, क्योंकि उस टाइम जो है सुबह का टाइम हो गया था, ज़्यादा टाइम हो गया था, वो धाम का पूरा नहीं हुआ था। तो ये ऐसा ही कहावत बोला जाता है। तो उस टाइम मुर्गा बांग दिया तो उस टाइम भगवान जो चले गए, लेकिन चरण का जो स्पर्श है वहीं पर छोड़ के गए। तो यही सब जो है यहाँ पर कहावत है, जिसका जो है हम वीडियो करने गए थे लेकिन नहीं करने दिया गया। तो आप ब्लॉग में बने रहे, हम आगे की तरफ दिखाते हैं। ये है चचकेश्वर धाम का एंट्री गेट, देखिए जहाँ से जो है लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी आए हुए हैं चचकेश्वर धाम का जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आज मकर संक्रांति का दिन है, यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालुओं की भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है। और ये देखिए, ये जो है चचकेश्वर धाम का ओरिजिनल मंदिर है, जो चचकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। यही मंदिर है जो चचकेश्वर धाम से जाना जाता है। और इधर भी बहुत सारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत सारे और भी मंदिर हैं। और देखिए यहाँ का जो है पूरा नज़ारा हम आपको दिखाते हैं चचकेश्वर धाम का, ब्लॉग पर बने रहिए। दोस्तों, अभी जो है हम पूरा चचकेश्वर धाम घूम रहे हैं और ब्लॉग को जो है यहीं पर अभी ख़त्म करते हैं।